अगर मैं आपको ये बोलूं कि इस सब्जी के अंदर मैंने ना लहसुन डाला है, ना प्याज डाला है, ना ही टमाटर डाला है, तो क्या ऐसी सब्जी आपको पसंद आएगी? भाई पसंद नहीं, ये बहुत अच्छी लगेगी आपको ये सब्जी। तो एक बार अपना टेस्ट चेंज करके देखिए, मजा आ जाएगा। कहते हैं मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शेफ भूपी आपका स्वागत करता हूँ अपनी ऑनेस्ट किचन के अंदर। तो चलिए करते हैं शुरुआत। आधा चम्मच हींग का, आधा चम्मच साबुत धनिया है, उसी के साथ में ये आधा चम्मच से थोड़ा सा कम मेथी दाना है। मेथी दाना मोटी वाली लें, बारीक वाली ना लें। ये दो चुटकी के आसपास है अजवाइन, इससे ज्यादा अजवाइन ना लें। और आधा चम्मच मैंने जीरा का इस्तेमाल किया है, 4 से 5 ये लाल मिर्च है सूखी वाली, आधा चम्मच पतली वाली सौंफ का इस्तेमाल किया है, और ये रहा 1/4 छोटी चम्मच कलौंजी, आधी छोटी चम्मच सरसों के दाने। सब्जियों में हमने 3 शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया है, पतली पतली सी है, मोटी वाली ना लें। और ये 2 आलू हैं बड़े साइज के, और 3 से 4 हरी मिर्च हैं, और ये आधा किलो के आसपास है पत्ता गोभी। बेसिकली यहाँ पे पत्ता गोभी की सब्जी बन रही है, लेकिन आलू और शिमला मिर्च उसका साथ देने वाले हैं। आलू तो बॉडी देगी, और जो शिमला मिर्च है उसका तो टेस्ट आपको पता ही है कि कैसा होता है, बहुत ही यूनिक टेस्ट आता है शिमला मिर्च का। तो यहाँ पे शेडेड मैंने पत्ता गोभी काट ली है, इसी तरह से हमको अपनी शिमला मिर्च भी काटनी है। जब भी शिमला मिर्च काटें तो उसका सिर्फ बीज बीज निकालें, वेस्टेज ना करें, बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होना चाहिए जब भी हम शिमला मिर्च काटें। कई बार हरी मिर्च बहुत ज्यादा तीखी होती है, इसलिए हल्की सी उसको स्मेल कर लीजिए तो पता लग जाएगा। आलू यहाँ यहाँ पे बिल्कुल उसके छिलके के साथ ही डाल रहा हूँ, उसको बिल्कुल नहीं पील कर रहा हूँ। आलू के छिलके का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो इससे पतला पतला काटना है हमको, बहुत मोटा नहीं काटना है। मसाले भी बिल्कुल सिंपल हैं यहाँ पे। आधा छोटा चम्मच हल्दी का इस्तेमाल किया है, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, और आधा छोटा चम्मच यहाँ पे जीरा पाउडर इस्तेमाल किया है। मसाले बिल्कुल सिंपल लिए हैं, पानी में डाल के हल्का सा भिगो के इनको रख लेते हैं। यहाँ पे लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो कोई दूसरा बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस सब्जी के अंदर। सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रहा हूँ 2 बड़े चम्मच। सबसे पहले स्मोकिंग पॉइंट तक सरसों के तेल को गर्म करना है, क्योंकि सरसों के तेल के अंदर एक पंजनेस होती है, एक गंध होती है, वो ऐसे ही निकलती है। तो पहले गर्म कर लीजिए अच्छी तरह से, उसके बाद में हल्का सा ठंडा भी करना है, और उसके बाद में तड़के लगते हैं। हम क्या गलती करते हैं, सरसों के तेल को पहले अच्छी तरह से गर्म कर देते हैं और गर्म गर्म में ही तड़के मार देते हैं। पहले हल्का सा ठंडा भी करो, उसके बाद में तड़के मारो। और ये धीरे धीरे करके हमने सारे तड़के मार दिए, और ये गई हमारी हरी मिर्च। अब हमको यहाँ पे डालना है हमारे मसाले का घोल, जो हमने थोड़ी देर पहले घोल के रखा हुआ था। बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे मसाले पकाना है। भाई यहाँ पे ना टमाटर है ना प्याज है, तो मसाले को कोई सपोर्ट नहीं है, इसलिए आंच को बिल्कुल धीमी रखें तभी मसाला पकेगा, वरना मसाला पकने वाला नहीं होगा। अगर आंच को तेज कर दोगे आप तो वहाँ जल जाएगा, और घोल के ही डालना है वरना सारे मसाले जल जाएंगे। ये देखिए मसाले यहाँ पक रहे हैं, उसी बीच में हमने यहाँ पे आलू भी डाल दिए। इस सब्जी के अंदर आलू हल्के से मैश होने चाहिए, मतलब पूरी तरह से मैश नहीं, हल्के से मैश होंगे, इसीलिए हमने आलू पहले ही डाल दिए जिससे पहले जल्दी गल जाए। तो यहाँ पे थोड़ी देर हम इनको सौते करेंगे मसालों के साथ में, मसाले भी पक रहे हैं और साथ में आलू भी पक रहे हैं। तो ये देखिए 2 से 4 मिनट सौते किया, उसके बाद में शिमला मिर्च डाल दी, और इसको भी 2 से 4 मिनट हमको सौते करना है। और उसके बाद में हमको यहाँ पर डालनी है हमारी कैबेज। तो कैबेज एक बार में तो नहीं आएगी, तो हल्की सी आधी डालिए, उसके बाद में ऊपर नीचे कीजिए, तो कैबेज थोड़ी सी स्टीम लगने के वापस बैठ जाएगी, तो बाद में दोबारा फिर डाल देंगे। इस सब्जी की सिंपलिसिटी ही इसका टेस्ट डेवलप करती है, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले, बहुत ज़्यादा ग्रेवियाँ नहीं डाली हैं, ना क्रीम ना बटर कुछ भी नहीं, लेकिन सब्जी का टेस्ट इतना यूनिक आता है ना, बहुत ही बढ़िया आता है। हम एक बार तो सब चीज़ भूल जाते हैं, तो ये देखिए सब चीज़ यहाँ पे हमने ऐड कर दी है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे डालना है स्वाद अनुसार नमक। अब नमक को कभी भी आप डालें ना तो 2 बार डालें। भाई मुझे एक कमेंट आया था कि नमक मेरा ज़्यादा हो जाता है, तो सब्जी में कभी भी नमक डाल रहे हैं आप तो हमेशा 2 बार डालें। 5-7 मिनट के लिए यहाँ पे हमने ढक के पकाया है, बीच बीच में 1-2 बार स्टिर जरूर करना है, वरना पत्ता गोभी नीचे की तरफ लग जाएगी। टेम्परेचर बिल्कुल लो रहेगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। सब्जी की फिनिशिंग करेंगे हम 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर के साथ में। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है और ना ही बहुत पुराना इस्तेमाल करना है। पुराना अमचूर ना तो खट्टा होता है और साथ में कड़वा जरूर होता है, और धनिया जाएगा श्रद्धानुसार। अचारी तड़के के साथ में
ये बन गई शानदार वाली पत्ता गोभी की सब्जी। बहुत ज्यादा तामझाम नहीं है लेकिन सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और देखिए मैंने अपनी फेवरेट कसूरी मेथी भी नहीं डाली क्योंकि टेस्ट मेरे को सिर्फ और सिर्फ अचार ही का ही चाहिए था, तो यहाँ पे कसूरी मेथी का इस्तेमाल नहीं किया मैंने। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी जरूर बताना, अच्छी लगे तो लाइक करना। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद दोस्तों, अपना ध्यान रखना।